यस बेटा, एट्थ क्लास कलम ने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था संस्कृत का। उदाहरण अनुसृत तालिका पूर्यत सब बच्चों ने कर लिया होगा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 मूल्य आधारित प्रश्न। मूल्य आधारित प्रश्न उत्तर है ये आपके, मित्रस्य परीक्षा कदा भवति, मित्र की परीक्षा कब होती है। आपने लेसन में अभी पीछे पढ़ा था, अगर ध्यान हो तो, नहीं तो आप देख लेंगे, मैं आपको बता भी देती हूँ। देखिए ये रहा, मित्रस्य परीक्षा तु विपत्तौ एव भवति। क्या लिख रहेंगे, मित्रस्य परीक्षा तु विपत्तौ एव भवति। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है यहाँ से और यहाँ तक। क्वेश्चन सेकंड है, अस्या कथाया का शिक्षा प्राप्यते, इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त होती है, क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से। तो देखिए यहाँ पर ये देखेंगे आप, यहाँ से लिखेंगे, अस्या कथाया शिक्षा प्राप्यते यत सर्वेषां समानम महत्वम भवति। क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जैसे ये था ना हमारा, अस्य कथाया का शिक्षा प्राप्ते, तो का हटा देंगे यहाँ से, अस्य कथाया शिक्षा प्राप्यते, इस कथा से शिक्षा प्राप्त होती है यत कि सर्वेषां समानम महत्वम भवति, सबका समान महत्व होता है। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है हमारा, यदा सिंह अस्य प्रयत्न वृथा जाता तदा सैके मैक्रो, जब शेर का प्रयत्न बेकार हो गया तदा सैके मैक्रो, तब उसने क्या किया, तब उसने क्या किया था। देखिए यहाँ पर आप पेज नंबर 14 पर ही देखेंगे, से देखिए ये रहा, यदा सिंह से प्रयत्न कृतवान परम तस्य प्रयासम वृथा जाता तदा से ऊंचाई अगर्जित। क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लिखेंगे, यदा सिंह से प्रयत्न वृथा जाते तदा से, यहाँ तक क्वेश्चन लिख देंगे, क्या कहाँ तक, यदा सिंह से प्रयत्न है वृथा जाता है तदा से ऊंचाई अगर्जित। क्या लिखेंगे, ऊंचाई अगर्जित, बस यही लिखेंगे। कदा सिंह प्रसन्नता अनर्थित, कब शेर प्रसन्नता से खुशी से नाचने लगा, कब नाचने लगा, यहाँ पर देखेंगे ये है, यदा कदा की जगह लिखेंगे, कदा सिंह प्रसन्नता, कब शेर खुशी से नाचने लगा, यदा सिंह जालात बही निर्गत्य, यदा सिंह, क्या लिखेंगे, कदा की जगह लिख देंगे यदा, यदा सिंह जालात बही निर्गत्य तदा से सिंह प्रसन्नतया अनर्थयत, या जालात बही निर्गत से सिंह प्रसन्नतया अनर्थयत, यही लिख देना सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, जालात बही निर्गत से सिंह प्रसन्नतया अनर्थयत। यह आपका लेसन कंप्लीट हो गया बेटा सेकंड, इसको अपना याद भी कर लेंगे। अब हमने संधि स्टार्ट की थी, उस दिन हमने एक संधि का एक पार्ट किया था, आज हम सेकंड पार्ट करते हैं। पेज नंबर 100 किया था, आज पेज नंबर 101 पर करते हैं। स्वर संधि हमने किया था, स्वर संधि के 3 वेद थे, दीर्घ संधि, गुण संधि और स्वर संधि के हमने भेद किए थे। पहला किया था दीर्घ संधि, अब हम करेंगे गुण संधि। दीर्घ संधि में क्या था, यदि ए या आ से परे यह ए या आ जाए या दीर्घ स्वर या तो उसका दीर्घ स्वर हो जाता है, आ ई ऊ और री हो जाता है। अब आगे आता है गुण संधि, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या हो तो बाद वाले शब्द का तथा बाद वाले शब्द का पूर्ण वर्ण ई या ई, ऊ या ऊ तथा री हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर ए ओ और अर हो जाता है। इस 3 इसमें चीजें आई हैं बेटा, देखिए ध्यान से, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे हम लेते हैं पहले शब्द, कोई भी एक शब्द लेते हैं, हमने जैसे लिया गण, इसका अंतिम वर्ण क्या है, ए, क्योंकि इसके अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होंगे, ग जमा ए जमा
ने जमा ए, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये आ गया ए, और दूसरे शब्द का तथा बाद वाले शब्द का पहला वर्ण, बाद वाले शब्द का, बाद वाला शब्द हमारा क्या है, ईश, क्या है बाद वाला शब्द हमारा, ई जमा श जमा विसर्ग, यही है। तो इसने क्या कहा है, अंतिम वर्ण का पहला क्या गया ए, और बाद वाला ई हो तो ए हो या आ हो, क्या हो, ए या हो या आ हो, या छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तो उसके स्थान पर क्या आ जाता है, ए बन जाता है, क्या बन जाता है, ए बन जाता है, ए जमा ई बी ए होता है, ए जमा बड़ी ई बी ए होता है, आ जमा छोटी ई ये भी ए होता है, और आ जमा बड़ी ई ये भी क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखें बेटा, ये है हमारा ए और आ के साथ ई या ई को मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ध्यान रखेंगे। जैसे गण जमा ईश गणेश, अब जैसे रमा जमा ईश, रमा जमा ईश, इसमें क्या है, आ है और बड़ी ई है, आ और बड़ी ई को भी क्या हुआ हमारा, ए, तो क्या हो जाएगा, रमेश, रमा जमा ईश रमेश, पहला था ये। दूसरा आता है हमारा, अगर ए या आ के बाद ए या आ हो पहले वो, तो और दूसरे में क्या हो, ऊ या ऊ हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो दोनों को क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ए या आ हो और ऊ हो तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे चंद्र जमा उदय या यथा जमा उचितम, कोई भी ले लें, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यथा जमा उचितम, यथा में क्या है, आ है, ये क्या है, आ है, और ये क्या है, ऊ है, आ और ऊ दोनों मिलकर के क्या हो गए, ओ, यथोचितम, क्या हो जाएगा, यथोचितम, यथा जमा उचितम यथोचितम, ऐसे कर लेंगे। जैसे महाजमा उत्सव क्या है, जैसे महाजमा उत्सव, महाजमा उत्सव क्या हो जाएगा, महोत्सव, इस तरह से करेंगे बेटे। तो ये हमारा संधि है, ए या आ के बाद अगर क्या आ जाए, ई या ई आ जाए तो ए हो जाता है, ऊ या ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है, और अगर अब आगे क्या है, अगर और क्या हो जाए आगे, और क्या आ जाए, री आ जाए, क्या आ जाए, री। नंबर तीन है, अगर ए और आ के बाद री आ जाए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है, क्या हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे वर्षा जमा ऋतु, तो क्या हो जाएगा, वर्षर्तु,
वर्षर्तु। तो ये तीन संधियां बेटा हमारी, इसके आप और एग्जांपल भी अपने कहीं बुक में से देख करके लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी गुण संधि, इसको बहुत ध्यान से समझ के एक बार फिर से दीर्घ संधि को और पूरा गुण संधि को अपनी इस व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे, ये आपका काम है। और सेकंड लेसन सभी बच्चे अच्छे से याद करेंगे, एक दो दिन बाद थर्ड लेसन शुरू करेंगे। गुड बेटा।